बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KWS न्यूज़ के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। रिपोर्ट शामिल करते हैं विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शमून नज़ीर की, जहां मकामी ताजर मसरूफ तरीन बाजार में दिन दिहाड़े लुट गया। विहाड़ी के शहर डाकुओं के रहमो करम पर शहर और गिरदो नवा में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला थम ना सका। आए रोज डकैती की वारदातें पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। आइए जानते हैं विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे शमून नज़ीर से। जी शमून नज़ीर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, विहाड़ी एक मुकामी ताजर मसरूफ तरीन बाजार में दिन दिहाड़े लुट गया। विहाड़ी के शहर डाकुओं के रहम करम पर शहर गिरदो नवा में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला थम ना रहा। आए रोज डकैती की वारदातें पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान। जी, थाना सिटी की हदूद में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। शहर के बिल्कुल वस्त में सराय बाजार के करीब डकैती की बड़ी वारदात। दो मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार डाकू मुकामी ट्रैवल एजेंट से 50 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। ट्रैवल एजेंट आसम जान एक बैंक से रकम निकलवा कर दूसरे बैंक में जमा करवाने जा रहा था कि मुसल्ला डाकुओं ने असले के जोर पर रकम छीन ली और फरार हो गए। अतला पर DSP समेत पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँच गई। मजीद तहकीकत जारी है कि डाकुओं के बारे में अभी तक कोई सुराग ना मिल सका। जी, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KWS न्यूज़, या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.kwsnews.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।